हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़। जैसा कि हम मैथ्स में अक्सर कैलकुलेशन करने में पीछे रह जाते हैं, तो हाउ टू कैलकुलेट क्विक क्विक एंड क्विक कैसे करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे स्क्वायर जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं नंबर्स के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 50 के आसपास के नंबर्स की। तो 50 के आसपास के नंबर्स जैसे कि 47, 48, ठीक है, या 52, 53, इनके आसपास के नंबर होंगे। तो इनके कैसे आप स्क्वायर बहुत जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सीखेंगे कैसे सीखेंगे। तो 50 के लिए हमेशा बेस लेके चलेंगे हम कितना, 25। बेस क्या लेके चलेंगे, 25। ठीक है, हमें 47 का स्क्वायर निकालना है। कितने का, 47 का स्क्वायर निकालना है। तो 47 को सबसे पहले आप ये देखिए 50 से कितना कम है। तो 50 से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 आता है, तो 3 कम है ये। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 9। क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर करना है 0, 9। और बेस किसको माना था, 25 को हमने। तो अब क्या करें, 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 22। ठीक है, देखिए जब 50 से कम होगा, 50 से कम होगा ये वाले नंबर, तो आप 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर 50 से ज्यादा है तो आप 25 में ऐड करेंगे। जैसे अगर मुझे अब निकालना हो 52 का स्क्वायर, तो 52 के स्क्वायर के लिए ये 50 से कितना बड़ा है, अगर 50 में आप 2 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 52 मिलता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 4। और अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, 50 से अगर आगे हैं तो आपको 25 में ऐड करना है। 25 में क्या करना है, ऐड करना है। तो 25 में ऐड करेंगे 2, तो कितना आएगा, 27। समझ आया। तो और ट्राई करते हैं, ट्राई करने के लिए हम लेते हैं 44। 44 का स्क्वायर निकालना है। 44 कितना कितना कम है 50 से, 6। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, है ना। कितना कम था, 6। तो 6 का स्क्वायर 36। अब ये 50 से कम है तो क्या करें, 50 में से 25 बेस था ना, 25 में से फिर 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1936। अगर हमारे पास 43 है, 43 का स्क्वायर निकालना है। तो 43 के स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, कितना कम है, 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। और 25 में से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। समझ आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, 56 का निकालते हैं। चलिए तो 56 का कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक, 50 से कितना ज्यादा है, 6। तो 6 का स्क्वायर 36, और 25 में 6 ऐड कर दीजिए, 31। 3136। तो ये था 50 के आसपास का जल्दी जल्दी स्क्वायर निकालने का तरीका। अब हम 100 के आसपास भी सीखते हैं। तो अगला नंबर क्या है हमारा, 100। अगर कोई नंबर 100 के आसपास हुआ, जैसे 101, 105, 97, 96, अब इनके लिए क्या करेंगे, तो इनके लिए हम बेस किसको मानते हैं, 100 को ही मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप देखिए उसी नंबर को, 100 को नहीं, उसी नंबर को जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं बेस, उसे ही मानेंगे। तो 97 का निकालना है आपको। तो 97 100 में कितना डिफरेंस है, 3 का, वो भी 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 9, है ना। 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 0, 9, और 97 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9, 4, 0, 9। ठीक है, 96 का देखें, 96 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 गए तो 92। ध्यान दीजिए दोबारा से, हमने जब 50 वाला करा तो 25 को बेस माना, और 50 से ज्यादा वाले नंबर को 25 में ऐड करा, और 50 से कम वाले नंबर को उतने ही 25 में से सब्ट्रैक्ट करा। अब 100 के आसपास के क्या है, 97 था, तो 97 में 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर, और 97 में से 3 कम करा। अब देखो 100 से ज्यादा देखते हैं, 101, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, प्लस 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 1। और 101 में अब ऐड कर दो,
100 से कम है तो सब्ट्रैक्ट, 100 से ज्यादा है तो ऐड। देखो 105 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो 105 का स्क्वायर होगा 5 ज्यादा है तो 25, 5 ज्यादा है तो 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसमें क्या करें, 5 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 11025। अब आगे एक और दिक्कत है, अब क्या करें, लेकिन एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे 108 का निकालना है हमें, तो ये कितना, 8 ज्यादा है, अगर 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64 और इसमें 8 ऐड करेंगे तो 116 ये हो जाएगा। बाकी इसे करने में आप एक जगह फंसेंगे, और वो कहाँ फंसेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। देखिए अगर मैं 39 का स्क्वायर निकालूं, ठीक है, अपने मेथड से जो अभी हमने सीखा है, तो ये इसमें क्या है, ये 11 कम है, कितना कम है, 11 कम है, और जब मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 121। अभी तक हमने जितने स्क्वायर करे सब में दो डिजिट थे, अगर सिंगल डिजिट था तो हम जीरो लगा रहे थे, लेकिन यहाँ तो एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गई, तो आप इसकी बैक वाली डिजिट्स पकड़िए दोनों को, 21 को और 1 को रखिए कैरी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 11 सब्ट्रैक्ट 50 से कम के लिए 25 बेस था, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 11 करेंगे तो 14 आएगा, और ये 1 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 21। एक और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपको करना है 37 का स्क्वायर, तो 37 50 से कितना कम है, 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169। 69 को यहां रखें, 1 को आपने कैरी में भेज दिया, अब 13 कम करेंगे तो 12 आएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, 1369 ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, एक और देखते हैं, थोड़ी सी करते हैं प्रैक्टिस, जैसे 42 105 107 41, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे क्विक एकदम, तो 42 8 कम है तो 64 हो जाएगा, और 8 करेंगे 25 में सब्ट्रैक्ट तो 17, 9 कम है यहां पर 50 से कितना कम है, 9 का स्क्वायर 81 और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, और देखिए ये कितना, 100 से 7 ज्यादा है तो 7 का क्या हो जाएगा, 49 और 7 ऐड करेंगे तो 1149 और 105 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ज्यादा तो 25 और 1 ऐड करेंगे तो 110। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आपके कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगे, तो कीप इट अप, कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।